अरे भैया हमारा भैया आज कीड़ा उठकर कीड़ा आज ग्लोन करने का पूरा मन था, क्योंकि 10 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और ये सभी देख सकते हैं आप यहाँ पर सो रहे हैं। बॉडी दिखाता रहता है गुज्जर है गुज्जर इसकी बॉडी देख नहीं इनका अब वीडियो बना रहे हैं ले चल ले मक्का पे मैं वहां बनाओ वीडियो फ्रेंड्स रात के 10 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं मगर अभी तक यहां पर कोई सोया नहीं है। आप देख सकते हैं पिक्चर रिहान है और ये अपनी पूरी पलटन है मौज मस्ती ये देखो मौज ले रे भैया जो हमारा भैया आज कीड़ा उठकर कीड़ा आज ग्लोन करने का पूरा मन था, क्योंकि 10 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और ये सभी देख सकते हैं आप यहाँ पर सो रहे हैं। फ्रेंड्स अभी भाइयों ने देखा था और पीछे मेरे हॉस्टल देख सकते हैं आप, पीछे मतलब हॉस्टल है और इधर भाई ये जा रहे हैं अभी फिलहाल, उनकी वीडियो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स काफ़ी अंधेरा हो रहा है, आप इधर देख सकते हैं ये मेरा हॉस्टल है अभी फ़िलहाल, इधर तो लाइट जल रही है हॉस्टल में मगर इधर लाइट का कोई साधन नहीं किया गया है अभी। फ्रेंड्स तो इसलिए तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ ये इधर क्या है। अभी यहाँ पर बिल्ली भी मरी पड़ी थी, एक देखी है वो तुमने बिल्ली भी देखी पेड़ के नीचे ही, यहाँ स्मेल से आ रही है शायद बिल्ली की आ रही है। फ्रेंड्स अब देखते हैं इधर सारा रिव्यू करा देता हूँ, बट मुझे तो मतलब ऐसी चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, भूत वगैरह ये कुछ होता नहीं है, बट इसको डर लगा है तो इसको देखने आ गए कि क्या चीज़ है, कुछ है भी सुनने या नहीं है, तो किधर देखते हैं इधर। और भी काफ़ी अंधेरा है फ्रेंड्स, इधर इधर कोई भूत नहीं लग रहा मुझे। ये कपड़ा है यहाँ पे तो यार ऐसे ही कपड़ा तो नहीं देखा था, ये वाला कपड़ा वही हिल रहा था, अच्छा हिल रहा था ये कपड़ा, ये बता रहा है कि हिल रहा था यहाँ नहीं देखा था। फ्रेंड्स मतलब ये है भूत भूत को छोड़ते हैं और फ्रेंड्स अपना कॉलेज का रिव्यू कर देता हूँ। नाइट में वैसे तो वीडियो बना रहा है इतनी क्लियरली आपको नहीं दिखेगी वीडियो, बट फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको क्लियरली सब मतलब अच्छे से समझा सकूँ इस हॉस्टल के बारे में और अच्छे तरह से बता सकूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर क्रिकेट की तैयारी करवाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर जाल लगा हुआ है, आपको जाल चमक रहा होगा पर क्रिकेट की तैयारी करते हैं बच्चे। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटिंग वो तो कहते हैं फ्रेंड्स बास्केटबॉल कर सकते हैं हम 12 बजे के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस अपनी कुछ भी कर सकते हैं। पीछे फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे अभी दिन में दिखा दूँगा फ्रेंड्स मैं आपको, पीछे क्रिकेट का मैदान है। हाँ ओके होगी ओके चल रही है। तो फ्रेंड्स आप देखिए गार्ड अंकल आ चुके हैं और हम वीडियो बना रहे हैं आपस में। अंकल राम राम, हम हॉस्टल के तो हाँ चलो तब वीडियो बना रहे हैं ये चल ले मक्का पे मैं वहाँ बनाऊँ वीडियो, हम हॉस्टल की वीडियो बना रहे हैं कोई चल ले मक्का पे आगे को देख लो मार रहा है लौंडा आगे देख लो तब चल ले राहुल पते है मक्का अंधेरे में ठीक नहीं चल ले मक्का पे चल ले आजा आजा मामा कैमरा मैन कर तू भी तेरे चल ले ओए ना कैमरा मैन तू मत चल ये रे तो ये हमारा दोस्त है बॉडी दिखाता रहता गुजर है गुजर इसकी बॉडी देख नहीं है बॉडी है ना बॉडी बॉडी देख नहीं ये हमारा बदबू से बदबू तीन दफे काम इतना जो बुझला गाली क्यों प्यारे पहले गाली कौन से प्यारे गाली कौन गाली क्यों दे रहे हो भाई तू गाली कौन से नहीं दी बता
शर्म होई करेगा छोटे बड्डे की तो बताओ। अच्छा गाली कौन से ने दी नु बता तू हमें। ओए गाली दी इसको कैसे ने गाली दी? नहीं ओए बदतमीज नहीं यार। तो हे फ्रेंड्स, अंकल ने जरा मना कर दिया था कि वहाँ पर वीडियो ना बनाए, तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। अंकल ले आए कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, इस वजह से वीडियो बनाने का अंकल ने मना कर दिया था कि यहाँ पर वीडियो ना बनाओ। यहाँ पर मतलब 3 दिन पहले चोर आ गए थे फ्रेंड्स, मतलब उधर से ही कूद कर, तो इसलिए अंकल ने मना कर दिया कि यहाँ पर अंधेरा है। हम समझ सकते हैं कि कोई और है तो इस वजह से कुछ परेशानी हो सकती है आपको, इसलिए वीडियो यहाँ पर ना बनाओ, ऊपर हॉस्टल में चल कर बना लो। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने हॉस्टल में वीडियो बनाई है, आप हॉस्टल वाली वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं अपनी कैंटीन में बताऊँ तो आप कैंटीन में अभी रिव्यू कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारी कैंटीन कुछ ऐसी है और कैंटीन के बाहर कुछ फ्रेंड्स ऐसा व्यू आता देख सकते हैं आप, उधर कुछ लोग बंदे हैं और पीछे अपना रिसेप्शन है, रिसेप्शन की वीडियो दिखाएंगे फ्रेंड्स। बट आपको पहले कैंटीन दिखा देता हूँ अपनी। कैंटीन में आपको क्या क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? कैंटीन में सबसे पहले आपकी मेन होती है टेबल, फिर दूसरी चेयर जो कि यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, टीवी है हमारा दूसरा, और पीछे आप देख सकते हैं सबसे मेन चीज़ फिर है आपकी टेबल, और आपके फैंस भी मतलब 4 फैंस लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स वीडियो में, और फ्रेंड्स यहाँ पर मिरर भी है देख सकते हैं, मिरर में मेरी वीडियो आ रही है ऑलरेडी आप देख सकते हैं। मेन चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ की ये टेबल, टेबल अभी दूसरे तरीके से लगा दिए हैं यहाँ पे। अभी चेयर थी यहाँ पर काफ़ी एक साथ देख सकते हैं, चेयर यहाँ पे रखी हैं और ये हमारा खाने का मतलब जितना भी टाइम टेबल के अनुसार खाने का बनाया हुआ है यहाँ पे हमारा टाइम टेबल कि क्या क्या मिलने वाला है हमें, क्या किस किस जैसे संडे को मिलेगा हमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। नमकीन दलिया, चाय, अचार या नाश्ते मिलेगा फ्रेंड्स, और रोटी चावल और बहुत कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे। और देख सकते हैं टीवी कभी भी चला सकते हो आप, ये नहीं है कि टीवी उसी टाइम चलाना है जिस टाइम सभी हो, तो अभी भी चला सकते हैं। जैसे कि अभी कैंटीन में कोई नहीं है हमारी, और इधर साइड में बाथरूम दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। अगर जो आप आना चाहो तो उसके भी कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, वो मैं आपको मेंशन कर दूँगा, आप एक फॉर्म भर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, तो DDUGKY फिल द फॉर्म, कुछ ऐसा नेम होगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको कॉल के थ्रू मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब मैं जा रहा हूँ अपने रिसेप्शन पर, रिसेप्शन का फ्रेंड्स कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ाई कर रहा है भाई रिसेप्शन पर बैठ कर, और कुछ भाई फ़ोन चला रहे हैं, तो हेलो वेलो नहीं कहना है कुछ भी ठीक है ना, तो हेलो कर रहा था भाई, तो हेलो वेलो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रिव्यू करने वाला था अपने रिसेप्शन का। देख सकते हैं ये हमारा रिसेप्शन है, और यहाँ पर हम नोट करते हैं फ्रेंड्स, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये रजिस्टर दिखाया है यहाँ पे अपनी मतलब जितनी भी एंट्रीज हैं और बाहर जाने की जितनी भी एंट्रीज सब इस रजिस्टर में करते हैं हम। रिसेप्शन मैं अपने बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, तो उसका रिव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से होगा फ्रेंड्स। तो एंट्री कर लेता हूँ मैं पहले इधर से मतलब बाहर जाता हूँ, और बाहर से एंट्री करेंगे अपने मतलब रिसेप्शन की, तो फ्रेंड्स रिसेप्शन देखते हैं चलिए बैक कैमरे से। इधर अपना हॉस्टल है फ्रेंड्स, और ये इधर जाने वाले हैं फ्रेंड्स अभी हम, तो जैसा कि मैं आपको बताया था रिसेप्शन है, ये अपना कंप्यूटर है, और भाई हैं ये अपना वासिल भाई है, ये प्रिंस भाई, और ये सौरभ भाई, और इधर देख सकते हैं आप जय श्री राम कर रहे हैं, ये अपने शुभम भाई हैं, और ये पंखे की हवा में मतलब मज़े में देख सकते हैं आप रिसेप्शन पर पढ़ाई कर रहे हैं रात को, पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है भाई? अग्निवीर की भाई, अग्निवीर बहुत अच्छे भाई, अग्निवीर की तैयारी कर रहा है भाई। तो अपना रिसेप्शन देख सकते हैं अपना DDUGKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना यानी कि गाँव वालों के लिए, और ये अपना मंदिर है जय श्री राम, आप देख सकते हैं अपना ये मंदिर है जो कि अभी फ़िलहाल इधर से बंद किया हुआ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप बाहर का सीन है, ये कुछ ये इधर से बंद किया हुआ है, बाहर का आपको डे में दिखा दूंगा जैसा कि मैंने आपसे बोला है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं अपना हॉस्टल देखते हैं, क्लासरूम देखते हैं, मतलब क्लासरूम तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं क्योंकि अभी नाइट हो रही है,
और क्लासरूम में मतलब फ़ोन ले जाना तो अलाउ है, बट वीडियो और फोटोज़ नहीं खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना हॉस्टल है जैसा कि दिखाया है, उधर थर्ड ईयर वाले बच्चे मतलब थर्ड बैच के बच्चे रहते हैं, ये अपना फर्स्ट बैच है। और ये अपना कमरा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, यह अपना स्टैंड बना रखा है उन्होंने। ये अपने संदूक मिलते हैं, संदूक में सामान रखते हैं सारा जितना भी है, अपना कूलर जितने भी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, चेयर, ये अपना संदूक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैंने अपना रूम तो दिखा दिया है, ये अपना रूम है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये अपना हॉस्टल का फर्स्ट बैच रूम है, यानी कि हमारा फर्स्ट बैच है फ्रेंड्स। तो ये हमारा रूम है, आपको अच्छी तरह से दिख गया होगा, इसमें चार फैन है, चारों फैन अवेलेबल, मतलब अभी चल रहे हैं। बना वीडियो में बात कर रहा हूँ जी। गाली देने थर्ड बैच स्टार्ट नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसलिए थर्ड बैच वालों का कमरा ये है, आप देख सकते हैं। तो अभी सेकंड बैच ऑन है, इसलिए सेकंड बैच चल रहा है अभी, यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, मंदिर है कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, बट पता नहीं है। इधर जनरेटर है, जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं रहती है तो जनरेटर का उपयोग करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। बाहर से दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, मैं बाहर से चल कर। तो ये अपना आर ओ लगा है, और इधर लगा है कूलर, वाटर कूलर। ये थर्ड बैच वालों का कमरा है, इधर भी जाना हमें अलाउ नहीं है इतना। कैंटीन है फ्रेंड्स, ये अपनी कैंटीन की भी वीडियो आपको दिखाएंगे पर अगली बार फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल ब्लॉग बना रहे हैं छोटा सा। ये अपना हॉस्टल है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। और ये सभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर सो रहे हैं।